नमस्कार दोस्तों, बोल्स्काई में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में, जिससे महिलाओं में होने वाली वाइट डिस्चार्ज की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, फिर अपनी नाभि के सीधे तरफ 2 इंच की दूरी पर दबाएं। कुछ देर दबाने के बाद इसी प्रकार से नाभि के उल्टी तरफ दबाएं। उसके बाद नाभि के 2 इंच नीचे की ओर दबाएं। आपको जब ये परेशानी हो तभी इस प्रक्रिया को करना चाहिए, तथा 1 से 2 महीने तक करने से ही आराम मिलता है। इसे 1 से 2 महीने तक 5 से 7 मिनट तक करना चाहिए। अधिक परेशानी हो तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। स्त्रियों में वाइट डिस्चार्ज का रोग पोषण की कमी, शरीर में खून की कमी या भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होता है। सामान्य वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा पोषण की कमी और ताकत से ज्यादा थकाने वाले कामों का नतीजा होता है, लेकिन कई बार ये रोग दिमागी परेशानी से भी हो सकता है। मधुमेह, लगातार खांसी या दमा रोग के कारण भी ये समस्या हो सकती है। वाइट डिस्चार्ज की समस्या गंभीर न होने पर भी भोजन और जीवन में सुधार करके या डॉक्टर से पूछकर टॉनिक आदि लेकर इनसे बचने की कोशिश करें, ताकि कमजोरी ज्यादा ना बढ़े और जल्दी इन्फेक्शन न हो। साथ ही आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को अपनाकर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द लौटेंगे एक नए एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।